हम सभी जानते हैं कि आदरणीय श्री चौधरी सरन जी एक किसान नेता थे और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार का जो भी कार्य हुआ उनका पूरा श्रेय चौधरी चरण सिंह जी को जाता है। जहाँ उन्होंने जाति तोड़ने की बात करी, जहाँ उन्होंने समाज को जोड़ने की बात करी, सभी को सम्मिलित किया, सभी की आवाज़ संसद तक पहुँचाने का काम किया, तो मेरा मानना है कि जहाँ आज हम सब मैनपुरी का उपचुनाव जीते हैं, जहाँ आप सब बताएंगे कि भोगाओं ने इतिहास रचने का काम किया कि नहीं किया। मैनपुरी सदर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? किसनी ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? वहीं करहल ने रचा कि नहीं रचा इतिहास? वहीं जसवंत नगर ने इतिहास रचा कि नहीं रचा? मैं पूरी मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र का आप सभी के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी, जो साथ जो समर्थन उन्होंने समाजदारी विचारधारा का दिया है और हमारे आदरणीय नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का भी काम किया। और यह मैनपुरी की जो जीत है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है। वो हमें सिखाती है कि हम सब एक साथ कैसे आगे बढ़ सकते हैं।